नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, डोमिसाइल सर्टिफिकेट या फिर जिसे स्थायी निवास प्रमाण पत्र कहा जाता है, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपको कहाँ पर रह रहे हैं, आप कहाँ पे वर्तमान में निवास कर रहे हैं, इसे वैलिडेट करता है। तो अगर आप किसी भी स्टेट से हैं और अगर वहां का आप स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं, तो स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनने के बाद आप वहां के मूल निवासी हो जाते हैं। इसकी कुछ कंडीशन होती हैं, जैसे कि आप उस स्टेट में लगभग कंटिन्यू 5 साल तक अध्ययन किए हों, स्टडी किए हों, या तो फिर आप उस साल उस स्टेट में या फिर जहां का भी आप स्थायी निवास बना रहे हैं वहां आप 5 साल से निवासरत हों, तो ये कुछ उसकी कंडीशन होती है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको अपने अंचल कार्यालय जाना पड़ता है, या फिर आप जाते हैं तो उन्हें पैसे देते हैं वहां पर। तो ये अब आपको नहीं करना है, अब आप अपने मोबाइल फोन से अपने घर बैठे हुए अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी कंडीशन एक ये है कि आपके जो आधार कार्ड में एड्रेस है वो एड्रेस वही होना चाहिए जहां का आप डोमिसाइल बनवाना चाहते हैं, यानी कि एड्रेस प्रूफ के तौर पे आपको वो डॉक्यूमेंट देना है जो जहां का आप बनवाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी अपने स्टेट में, जैसे आप यूपी से, एमपी से हैं, कहीं से भी हैं, उस स्टेट का आप डोमिसाइल बनवा रहे हैं, तो आपके आधार कार्ड में उसी स्टेट का एड्रेस होना चाहिए। तो अगर आपके पास ये नहीं है आधार कार्ड, तो इसका एक अल्टरनेट ऑप्शन होता है कि आप वहां का एफिडेविट दे सकते हैं। एफिडेविट के बेस पर स्थायी निवास प्रमाण पत्र या डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। तो अगर आधार कार्ड नहीं है तो आप ये दे सकते हैं एफिडेविट। एफिडेविट कैसे बनाना है ये तो मैं आपको बता ही दूंगा वीडियो में, और टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल से आप ऐसे डॉक्यूमेंट्स फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और देखते हैं कैसे आप घर बैठे हुए मोबाइल फोन से डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। इसमें आपको कहीं भी पैसे देने की किसी को भी जरूरत नहीं है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। डिस्क्रिप्शन में आपको एमपी डिस्ट्रिक्ट साइट का लिंक दिया गया है। चूंकि ये एमपी डिस्ट्रिक्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं मध्य प्रदेश का करके आपको दिखाऊंगा। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करें, अब आप ये सोचेंगे कि ये वीडियो में बता रहा था कि आप किसी भी स्टेट का बता सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप किसी भी स्टेट में हैं तो आप अपने ई डिस्ट्रिक्ट की ही साइट पे जाइए। जैसे मैं ये एमपी डिस्ट्रिक्ट की साइट में आया, तो ये एमपी मध्य प्रदेश की ई डिस्ट्रिक्ट की साइट है। आप अपने स्टेट की ई डिस्ट्रिक्ट की साइट पर जाएंगे, सेम चीज़ आपको वहाँ भी मिलेगी। यूपी डिस्ट्रिक्ट, झारखंड ई डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान ई डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर आपको आना है। जैसे ये एमपी ई डिस्ट्रिक्ट की साइट है मध्य प्रदेश की, सेम वे आपको हर एक स्टेट की ई डिस्ट्रिक्ट की साइट जरूर मिलेगी, वहाँ पर आपको सेम एप्लीकेशन करना है। चलिए फटाक से मैं एमपी का करके बताता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है। नवीन नागरिक पंजीयन पे क्लिक करेंगे, ऊपर आपको लिंक शो हो रहा है। चूँकि यार ये लैपटॉप पे मैं बनाता, लेकिन मैं इसलिए मोबाइल पे बनाया हूँ ये वीडियो कि मोबाइल पे आपको पहले ही बोल दिया था कि मोबाइल पे बताऊँगा। इसमें थोड़ा सा छोटा छोटा सा है, समझ में नहीं आता। यहाँ पे आपको जनरल्स, अपनी फील्ड्स, नाम वगैरह दे के और मोबाइल नंबर दे के रजिस्ट्रेशन करना है। चूँकि मैं पहले से ही यहाँ पर रजिस्टर्ड हूँ, तो मैं डायरेक्ट लॉगिन करके आपको दिखाऊँगा। यहाँ पर आपको ईमेल, पासवर्ड, कैप्चा फिल करना है, और ये जो कैप्चा दिख रहा है इसके बाद आपको फाइनली लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो जो आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अपना ईमेल डालेंगे वही आपको यहाँ डाल के पासवर्ड जो आप बनाएंगे वो आपको फिल करके लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। नीचे आप आएंगे तो सबसे फर्स्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा स्थायी निवास प्रमाण पत्र समाधान एक दिवस, इस पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर जो आवश्यक दस्तावेज है वो क्या है, सिर्फ आपको स्वयं का घोषणा पत्र देना है, यानी कि आपको सिर्फ अपना एक एफिडेविट देना है, इसके बाद कुछ भी नहीं देना, जो कि इसी फॉर्म में अटैच होगा। पहले से आपको ये डाउनलोड भी करना नहीं है, ये जो डाउनलोड प्रारूप है ये नहीं करना आपको। इसमें समय सीमा 7 दिन दी गई है, लेकिन आपका 2 दिन के अंदर बन जाता है ये, मतलब कि आप ये कहिए एप्लीकेशन करेंगे, दूसरे दिन आपका ये जनरेट हो जाएगा, डिस्पोज हो जाएगा। इसके बाद नीचे आएंगे तो एप्लीकेशन कहाँ करना है, 4 जगह से आप कर सकते हैं, लोक सेवा, एमपी, ऑनलाइन, सीएससी और ऑनलाइन के मदद, जहाँ पर आपको 30-30 रुपये की भुगतान करना है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो आपको बिल्कुल निःशुल्क ये बना के दिया जाएगा। 4थे नंबर पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन निःशुल्क है, तो अपन यही करेंगे क्योंकि फ्री वाले हैं अपन, तो निःशुल्क पे क्लिक करेंगे। ये यहाँ पर ये फॉर्म ओपन हो जाएगा, नॉर्मल सा ये फॉर्म है, कुछ नहीं रखा है इस फॉर्म पर। आपको अपना आधार नंबर फिल करना है और सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। एक चीज़ और, बहुत से लोग पूछते हैं कि आप अपना बना सकते हैं दूसरे का, सबका आप बना सकते हो, अपनी आईडी से किसी का भी बना सकते हो। यहाँ पर आपको नॉर्मल से जिसका भी बनाना है उसका आधार नंबर डाल के गेट ओटीपी करेंगे, ओटीपी फिल करेंगे, आधार कार्ड से सारी डिटेल्स आपकी यहाँ पर फैच हो जाएंगी। चूँकि डेटा प्राइवेसी के कारण मैं ये डिटेल दिखा नहीं सकता, सारा आपका नाम वगैरह, आपका जहाँ भी आप रह रहे हैं, एड्रेस वगैरह सब कुछ इसमें फैच हो जाएगा।
अगर आपको मैनुअल एड्रेस फिल करना है तो आप मैनुअल भी कर सकते हैं। इसके बाद ये नीचे जो दिख रहा है आपको, ये छोटा सा फॉर्म में एक है जिसमें कि आपको स्थायी निवास के लिए जो पहचान है वो आप क्या देना चाहते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि आप वहाँ पर 3 साल या 5 साल रह के पढ़े हों, या फिर 10 साल से वहाँ लगातार निवासरत हों, या फिर व्यापार करते हों, या फिर आपकी वहाँ पर कोई चल अचल संपत्ति हो, तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सुइटेबल लगे जो आप फॉलो कर रहे हैं उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, एक ऑप्शन कोई सा भी। जैसे यहाँ पर हम ये सेलेक्ट किए ले रहे हैं कि मध्य प्रदेश में ही पैदा हुआ, तो एक ऑप्शन अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आप चूज़ करना चाहें। इसके बाद आपको ये चूज़ फाइल है आपने आवेदन की खुद की, तो यहाँ कंसेंट बॉक्स पे सबसे पहले क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि एक आपका ये स्वघोषणा प्रमाण पत्र है, ये पहले से ही भर गया है, जो आपके आधार से डिटेल है उसी से ले लिया गया है, और ये स्वघोषणा प्रमाण पत्र भी आपका रेडी है बनके, पूरी तरह से ये भी बन चुका है। ऊपर आपका नाम है, आपके पिताजी का नाम है, जो भी आपके आधार कार्ड की डिटेल है उसी को लेकर ये स्वघोषणा प्रमाण पत्र बना दिया गया है। नीचे आपको अपनी एक फ़ोटो अपलोड कर देनी है JPG फॉर्मेट में, और JPG फॉर्मेट में फ़ोटो अपलोड करने के बाद फाइनली आप इसे सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पर आपके स्वघोषणा प्रमाण पत्र में एक जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। जब आपको फाइनल फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा, इससे आप अपना चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए यहाँ पर आएंगे उसी की होम पेज पर, आवेदन की स्थिति जाने ये सेकंड नंबर का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। पंजीकरण नंबर जो आपको मिलेगा वही आप यहाँ पर फिल करेंगे, कैप्चा फिल करेंगे, खोजे पे क्लिक करेंगे। आपका फाइनल जब एप्लीकेशन मतलब स्थायी निवास डिस्पोज हो जाएगा तो यहाँ से आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। सिंपल रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे या फिर मोबाइल नंबर और कैप्चा फिल करके खोजे पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। गाइज ये थे आज की वीडियो। वीडियो में आपने जाना कि आप अपना ऑनलाइन डोमिसाइल सर्टिफिकेट या स्थायी निवास प्रमाण पत्र घर बैठे हुए फ्री में कैसे अपने मोबाइल फोन से बना सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो यार तो लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।